कितने सागुन के सिल्ले लट्ठे होंगे उसमें, क्या कार्रवाई की जाएगी? आज सुबह 6 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि नेपा नगर से बुरहानपुर जाते समय ये चांदनी रोड है, उसके दाएं तरफ पांधार जगह जंगल बोला जाता है, उसमें लकड़ी कट रही है और वहाँ ट्रक भी खड़ा है, ऐसी मुखबिर सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो मुखबिर की सूचना पे हमने बल तैयार किया, बल तैयार करके गाड़ी लेके जब वहाँ पहुँच रहे थे, पांधार जंगल की तरफ पहुँचे, तो वहाँ से ट्रक तेजी से निकला, तो मुखबिर हमारे साथ ही था, उसने बताया साहब ये वही ट्रक है जो वहाँ खड़ा था। तो हमने चूंकि उसके पीछे जाने लगे तो उसने देख लिया पुलिस की गाड़ी, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाने से हमने उस गाड़ी का पीछा किया, पीछा करते करते चांदनी गांव के पास पहुँच के उसको ओवरटेक करके रोका, तो मुखबिर बोला साहब ये वही गाड़ी है। इस पर हमने उसके तिरपाल हटा के देखा, तिरपाल हटा के देखा तो उसमें कभी 44 नग लट्ठे सागौन के ताज़े कटे हुए वृक्ष के रखे थे, जो वहाँ लोकल उपस्थित लोगों से, स्थानीय ग्रामीणों से तस्दीक कराई तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सागौन के ही लट्ठे हैं। इस पर उस ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर को हमने पकड़ा, ड्राइवर का नाम यूसुफ पिता रसीद, जाति मुसलमान, महेश्वर, वार्ड नंबर 9, खरगोन, ये खरगोन का रहने वाला ड्राइवर है। उससे पूछा कहाँ से ला रहे हो, तो उसने तस्दीक की कि पंधार जंगल से कटे हुए लट्ठे हमारी गाड़ी में लोड किए हैं। उनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, पर इसके बारे में अपन और तस्दीक कर लेंगे, अभी यही हाल मालूम चला है, ड्राइवर को ले आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इस संबंध में पता करेंगे कि ये कैसे घटना हुई और इसकी पर्याप्त विवेचना कर और भी कोई अगर इसमें सहयोग होगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे। सर क्या कार्रवाई की जा रही है अभी उस पर? हमने 379 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 जा 41, सागौन की अवैध कटाई और परिवहन, जिसमें सागौन चूँकि प्रतिबंधित है इस इलाके में, कोई भी बिना सरकारी परमिट के वैधानिक रूप से नहीं काट पाता, उससे हमने परमिट और कागज़ भी पूछे थे, उसके पास कोई परमिट कागज नहीं है, जिससे पता चला कि वन लकड़ी को चोरी करके ले जा रहा है, और चूँकि सागौन की चोरी है तो 26 जा और 41 वन अधिनियम के अंतर्गत हमने FIR दर्ज कर ली और उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर। आपका नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव, थाना प्रभारी, थाना निपटना।